Hi students, welcome to e-classroom. आज आम कौन लेक्चर फाइव रे पढ़वा ना फॉस्फोरस जो आम पढ़ी थे आलोट्रोपी ऑफ फॉस्फोरस तार टाइप्स गुड़ा पढ़वा जोड़ा कि व्हाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस देन पढ़वा प्रिपेरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फॉस्फिन जो फॉस्फिन गैस तार प्रिपेरेशन पढ़वा प्रॉपर्टीज पढ़वा यूजेस पढ़वा प्रीवियस क्लास रे जो पढ़ा जाता HNO3 नाइट्रिक एसिड रो प्रिपेरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस आशा करुच्छी भल भाव बुझीपार तेणु आम स्टार्ट करवा कौन लेक्चर फाइव रे फॉस्फोरस कौन स्टार्ट करवा फॉस्फोरस तेणु आम जानते फॉस्फोरस जो आम फास्ट पढ़ी जो आलोट्रोपी फॉर्म मुझे नाइट्रोजन ले दुईटा आलोट्रोपी फॉर्म अच्छी देन थी फॉस्फोरस तेणु फॉस्फोरसटा नॉर्मली फॉस्फोरस मेनि बहुत गुड़ा कौन देखाए ना आलोट्रोपी फॉर्म देखाए बट ता भितर तीन टा हूँ जोटा कि मेनली आमको वाइल्डली यूज हुए जोटा कि कौन ना जोटा कि पढ़े थी व्हाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस कौन आम पढ़ी तीन टा गोटे हूँ व्हाइट फॉस्फोरस देन हूँ रेड फॉस्फोरस देन तीन आम कौन पढ़ते ना ब्लैक फॉस्फोरस यार आम प्रत्येक जो व्हाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस आ ब्लैक फॉस्फोरस रो तार प्रिपेरेशन आउ तार जो कौन प्रॉपर्टीज रही आम ताको डिस्कशन करवा तेणु फास्ट आम कौन आसो ना व्हाइट फॉस्फोरस कौन तार रही प्रॉपर्टीज देखो नॉर्मली व्हाइट फॉस्फोरस नॉर्मली P4 स्टेज रे मु फास्ट पढ़े थी जोड़ा कि स्टेट फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट रे कही थी जोड़ा कि नाइट्रोजन टा केवल डायटिंग फॉर्मेशन करे जोड़ा कि सिंगल जोड़ा कि फ्री स्टेट रोए बट फॉस्फोरस कंबाइंड स्टेट रही पार बट फॉस्फोरस एक्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट इन P4 स्टेट जोड़ा कि टेट्रा आटोमिक तेणु तार कौन हम ना टेट्रा आटोमिक जोड़ा कि P4 रे से हूँ कौन थाए ना स्टेबल होगी थाए P4 स्टेट रे से हूँ स्टेबल होगी थाए जोटा कि टेट्रा आटोमिक फॉर्म तार स्ट्रक्चर आम पढ़ा मन रख फास्ट व्हाइट फॉस्फोरस स्ट्रक्चर कौन हम ना डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल तार स्ट्रक्चर केमी हम फॉस्फोरस डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल एंगल हूँ 60 डिग्री आसो तार स्ट्रक्चर तुम एमती आसो जोटा कि P4 कहते कौन ना डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल फास्ट बुझेगा व्हाइट फॉस्फोरस फॉर्मूला कौन है ना P4 फॉस्फोरस मैंने फॉर्मूला हूँ P4 कारण मुझ फास्ट कही फिजिकल स्टेट रे फॉस्फोरस एक्जिस्ट इन टेट्रा आटोमिक फॉर्म जोटा कि P4 स्टेट तेनाली तार स्ट्रक्चर आम कौन जानते जोटा कि डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 स्टेट रे 60 डिग्री फॉर्मेशन करे देन आम सेकेंड पॉइंट जावा कौन अच्छी ना इट इज ए वाक्सी सॉलिड कौन ना वाक्सी सॉलिड मीन्स कौन जोटा कि अठाड़िया सॉलिड अठाड़िया जो महम टाइप रहा है वाक्सी सॉलिड यार प्रॉपर्टीज फास्ट में कौन पढ़ा दिस इज वाक्सी सॉलिड जोटा कि वाक्सी मान जोटा कि अठाड़िया पदार्थ सेकेंड रे आम कौन पढ़ा ना इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन सॉरी इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कौन ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट मीन्स कौन कला ना इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट माने ये हूँ वाटर रे हूँ कौन ना इनमिसिबुल जोटा कि इनसॉल्युबल वाटर रे ये सॉल्युबल हो पार ना किंतु कौटे सॉल्युबल हो पार जोटा कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ना व्हाट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मन रखते कैल्शियम डाइसल्फाइड जोटा कि बेंजीन थाए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट आम यूज करती कौन कह ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तेनालीर प्रॉपर्टी मन रख फास्ट तार स्ट्रक्चर कौन है ना डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल देन मुझे कहली इट इज ए जोटा कि व्हाइट जोटा कलरलेस विथ वाक्सी सॉलिड वाक्सी मैंने कौन बुझीपार जोटा कि अठाड़िया
देन थर्ड पढ़े कौन ना, इट इज इनसोल्युबल इन वाटर एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देन आम पढ़वा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आम तार पढ़वा चार कौन ना, दिस इज पॉइजनस इन नेचर, इट इज पॉइजनस इन नेचर। ये नेचर रे कौन हम ना पॉइजनस, फास्ट मुझे पढ़े थी जोड़ा कि नाइट्रोजेनटा नन पॉइजनस गैस एंड फसफरस टी ठीक पॉइजनस जोड़ा कि आर्सेनिक आंटीमोनी बिस्मथ दिस इज पॉइजनस जोड़ा कि टक्सिक इन नेचर जोड़ा कि विषाक्त। तेणु ये पढ़ले कौन ह्वाइट फसफरसटा पॉइजनस इन नेचर। देन तार प्रॉपर्टीज पढ़वा कौन, इट इज लेस स्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव एमंग ऑल एलोट्रोप्स। ना इट इज लेस स्टेबल, ये हूँ कौन ना स्टेबल जो लेस स्टेबल एंड कौन ना हाईली रिएक्टिव एमंग ऑल एलोट्रोप्स। जैसे कि हमारे एलोट्रोप पढ़ा फॉस्फोरस रो एटी नॉर्मली आम तीन टा डिस्क्रिप्शन करवा, गोटे ह्वाइट फॉस्फोरस, गोटे रेड फॉस्फोरस, गोटे ब्लैक फॉस्फोरस। यही तीन टा मध्य ये हूँ सब कौन हम ना लेस स्टेबल हम एंड हाईली रिएक्टिव हम। क्लीयर तेणु ये हूँ तुम कौन ना ह्वाइट फॉस्फोरस डिस्क्रिप्शन जोटा कि प्रॉपर्टीज रही। फास्ट आम कौन पढ़ले तार हूँ स्ट्रक्चर हूँ फॉर्मूला P4। देन तार स्ट्रक्चर पढ़ले जोटा कि डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल जोटा कि P4 स्टेट रे थाए। सेन पढ़ले कौन ना इट इज ए वाक्सी सॉलिड विथ कलरलेस, जोटा कि कलरलेस फॉर्म थाए कि वाक्सी सॉलिड, वाक्सी मान जोटा कि अठाड़िया पदार्थ। देन थर्ड आम पढ़ कला इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर ये हूँ इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देन आम नेक्स्ट पढ़ले कौन इट इज पॉइजनस इन नेचर, ये हूँ कौन नेचर रे हूँ कौन ना पॉइजनस विषाक्त। देन पढ़ले कौन ना इट इज लेस स्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव एमंग ऑल एलोट्रोप्स, ये जितने एलोट्रोप मध्य अच्छे आज लेस स्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव से कौन फॉर्मेशन करपे मन जाणी था कौन फॉर्मेशन करते ना केमिलुमिनेसेंस लुमिनेसेंस। ये जो प्रॉपर्टी जो आम लास्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ले इट इज लेस स्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव एमंग ऑल द एलोट्रोप, से प्रॉपर्टी को आम कौन कह केमिलुमिनेसेंस। दिस प्रॉपर्टी इन व्हिच इन ह्वाइट फॉस्फोरस दिस इज लेस स्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव एमंग ऑल द एलोट्रोप्स। दिस प्रॉपर्टी को आम कौन कहले जोटा कि केमिलुमिनेसेंस। क्लीयर ह्वाइट फॉस्फोरस। देन आम पढ़वा कौन सेकेंड थिला कौन ना रेड फॉस्फोरस। देखो पिला माने यार डिफरेंस आसे ह्वाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस डिफरेंस आसे। देन आम पढ़वा कौन ना रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस ना व्हेन मन रखिता तार फर्स्ट पॉइंट है व्हेन ह्वाइट फॉस्फोरस इज हीटेड, जो ह्वाइट फॉस्फोरस को आम हीट करवा देन कौन हम ना रेड फॉस्फोरस मिल। व्हेन ह्वाइट फॉस्फोरस सिंपल आम हीट करवा ह्वाइट फॉस्फोरस को सिंपल आम हीट करवा देन कौन पाइबा ना रेड फॉस्फोरस। क्लीयर पिला माने फर्स्ट पॉइंट रे पढ़ले कौन ना जत्ते बेले ह्वाइट फॉस्फोरस को आम नॉर्मली हीट करवा इन ए सील्ड ट्यूब भीतर आम नॉर्मली हीट करवा देन कौन प्रोड्यूस कर ना रेड फॉस्फोरस। सेठी जाक थिला सेठी कौन थिला इट इज ए कंपेरिजन कर पढ़ले आराम से मन रहइबो। देन सेठी कौन थिला इट इज ए वाक्सी सॉलिड हैविंग जोड़ा कलरलेस किंतु एठी पढ़वा कौन इट इज ए ग्रे लुस्चर, इट इज ए नॉर्मली हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ ग्रे लुस्चर, ग्रे लुस्चर मन रहा पे मैंने ना कौन ना इट इज ए हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, से वाक्सी सॉलिड जोटा कि अठाड़िया बट एट इज कौन हम ना हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो क्रिस्टलाइन आम पढ़ी थे सॉलिड दुई प्रकार जो सॉलिड तुम केमिस्ट्री फर्स्ट ऑफ अच्छे सॉलिड स्टेट से आम पढ़ा सॉलिड हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ क्रिस्टलाइन गोटे हूँ आमोरफस। ना क्रिस्टलाइन कौटा कह जोटा हाथ को रगड़िया लगे जोटा कि अबड़ा फटा लगे रगड़िया लगे से कौन कह क्रिस्टलाइन सॉलिड, जोटा हाथ को पूरा प्लेन लगे आम कौन कह आमोरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन रोटे एग्जांपल है जोटा कि एनएसएलएम यूज करते सुगार यूज करते आमोरफस जोटा कि आम यूज करते जोटा कि पाउडर जोटा कि अटा गुंड कौन कहपर जोटा कि आमोरफस आम कहीपर। तेणु सॉलिड हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ क्रिस्टलाइन गोटे हूँ आमोरफस।
ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ହାର୍ଡ଼ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ସଲିଡ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେ ଲୁଷ୍ଟର୍ ଲୁଷ୍ଟର୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସାଇନିଂ ସର୍ଫେସ୍ ଗ୍ରେ କଲର୍ର ସାଇନିଂ କରୁଥିବ ମନେ ରହିଲା ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା ୱାକ୍ସି ସଲିଡ୍ ଅଠାଳିଆ ସଲିଡ୍ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା କ'ଣ ହାର୍ଡ଼ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ସଲିଡ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଆରାମସେ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବ କ୍ଲିଅର୍ ଦେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପଏଜନସ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଢ଼ିବା କ'ଣ ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ପଏଜନସ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ପଏଜନସ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ ଇଏ କ'ଣ ନା ନନ୍ ପଏଜନସ୍ ଇଏ ପଏଜନସ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ତୁଳନାରେ ଇଏ ଟିକିଏ କମ୍ ପଏଜନସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନନ୍ ପଏଜନସ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା ଲେସ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲି ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ବଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ହାଇଲି ତା'ଠାରୁ କମ୍ପେୟାରିଂ କରିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ତୁଳନାରେ ଏହାର ହେଉଛି କ'ଣ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ ବଟ୍ ଲେସ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ତା'ଠାରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଧିକା ଟିକିଏ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ ବଟ୍ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ନା କମିଯିବ ନା କ'ଣ ହେବ ହାଇଲି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ହାଇଲି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲିଅର୍ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ହାଇଲି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପଲିମେରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖ ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମୁଁ କାଟିଦେଉଛି ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ପଲିମେରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଟ୍ସ ପଲିମେରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଟ୍ସ ପଲିମେରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଇଟ୍ ହେଜ୍ ହାଇଲି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଲେସ୍ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବ ସେଠି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରାଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁଟାକି ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଯେଉଁଟାକି ତା'ର କ'ଣ ନା ପଲିମେରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ପଲିମେରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ର ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଇଜ୍ ହିଟେଡ୍ ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ପାଇଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ପଏଜନସ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ହାର୍ଡ଼ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ସଲିଡ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେ ଲୁଷ୍ଟର୍ ଦେନ୍ ପଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାଇଲି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କାଠାରୁ ନା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇଲି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଲେସ୍ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପଲିମେରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ୍ଲିଅର୍ ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଦେନ୍ ପଡ଼ିବା କ'ଣ ନା ବ୍ଲାକ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ ପଡ଼ିବା ତିନି ନମ୍ବରରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଦେଖ ବ୍ଲାକ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବା ଥାର୍ଡ଼ଟା ବ୍ଲାକ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଇଟ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ଆଲଫା ବ୍ଲାକ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଦୁଇରେ ପଡ଼ିବା କ'ଣ ନା ବିଟା ବ୍ଲାକ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ତେଣୁ କ୍ଲିଅର୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ବଟ୍ ଥାର୍ଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଆମେ ପଡ଼ିବା ବ୍ଲାକ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଇଟ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍ ନା କ'ଣ ନା ଆଲଫା ବ୍ଲାକ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଟା ବ୍ଲାକ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ପଡ଼ିବା ଆଲଫା ବ୍ଲାକ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଦେଖ ଆଲଫା ବ୍ଲାକ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଫାଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବା ତା'ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଲଫା ବ୍ଲାକ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ଟା କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ନା ହ୍ୱେନ୍ ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଇଜ୍ ହିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ସିଲ୍ଡ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏଟା ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଲଫା ବ୍ଲାକ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଇଜ୍ ଅବଟେଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର୍ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଇଜ୍ ହିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ସିଲ୍ଡ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏଟା ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦେନ୍ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଆଲଫା ବ୍ଲାକ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଇଜ୍ ଅବଟେଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର୍ ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ବ୍ଲାକ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଲଫା ବ୍ଲାକ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ହିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ସିଲ୍ଡ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏଟ୍ 803 କେଲ୍ଭିନ୍
जोटा कि हाई टेम्परेचर आम कही पारिबा ना कौन बाहर ना अल्फा ब्लैक फास्फोरस क्लीयर पाने अल्फा ब्लैक फास्फोरस केमी प्रडक्शन हम व्वेन रेड फास्फोरस इज हिटेड इन ए सील ट्यूब 8803 केल्विन बा तुम लिखिपार हाई टेम्परेचर देन कौन प्रडक्शन हम अल्फा ब्लैक फास्फोरस क्लीयर तो आर कौन प्रॉपर्टी रही इट कैन सब्लिमाइज इन एयर इट कैन सब्लिमाइज इन एयर जानपड़ सब्लिमाइज मैंने सब्लिमेसन रू सब्लिमाइज होती सब्लिमाइज मैं सब्लिमेसन मैंने कौन जोटा कि सलिडटा जो लिक्विड परिणत हो तेनाली सब्लिमेसन मैंने कौन इट इज इट कैन सब्लिमाइज इन एयर एयर में कौन हो पार ना सब्लिमाइज हो पार लिक्विड फर्मेसन हो पार देन आम कौन पढ़ा इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करि पारे नाही देन थर्ड पढ़ला यार स्ट्रक्चर कौन मन रखता इट इज मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर मन रखता इट इज मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर ता स्ट्रक्चर केमी रोम्बोहेड्रल काटुच देख इट इज मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर एटा हूँ कौन ना जोटा कि मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्लीयर पाने बुझिपाल ये हूँ ब्लैक फास्फोरस जो फास्ट टाइम पढ़ले अल्फा ब्लैक फास्फोरस तार प्रॉपर्टीज अल्फा ब्लैक फास्फोरस प्रॉपर्टीज कौन व्वेन रेड फास्फोरस हिटेड इन ए सील्ड ट्यूब एंड कौन ना हाई टेम्परेचर देन अल्फा ब्लैक फास्फोरस इज ऑब्टेंड देन कौन इट कैन सब्लिमाइज इन एयर थर्ड पल इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करिपर इट हेज मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर मोनोक्लिनिक देखा देखिए जोटा कि रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कहार ना ब्लैक फास्फोरस क्लियर देन आम पढ़ा कौन जोटा कि सॉरी ब्लैक फास्फोरस आम कौन पढ़ले अल्फा ब्लैक फास्फोरस देन आम सेकेंड में कौन जावा जोटा कि बीटा ब्लैक फास्फोरस क्लियर देन सेकेंड आम कौन पढ़ा ब्लैक फास्फोरस रे सेकेंड आम पढ़े बीटा ब्लैक फास्फोरस दुई रे कौन पढ़ा ना बीटा ब्लैक फास्फोरस देखो यार भी पढ़िया प्रिपरेशन तेनाली बीटा ब्लैक फास्फोरस प्रिपरेशन केमी देव ना व्वेन ह्वैट फास्फोरस इज ट्रीटेड इन ए हिटेड इन ए हाई प्रेसर देन कौन हम ना बीटा ब्लैक फास्फोरस इज ऑब्टेंड कौन पे बुझिपाल ना व्वेन ह्वैट फास्फोरस अल्फा ब्लैक फास्फोरस कौन थी व्वेन रेड फास्फोरस इज हिटेड इन ए सील्ड ट्यूब एट हाई टेम्परेचर देन कौन प्रोडक्शन हम जोटा कि अल्फा ब्लैक फास्फोरस किंतु ये सेकेंड में पढ़ले जोटा कि बीटा ब्लैक फास्फोरस तेनाली बीटा ब्लैक फास्फोरस केमी ऑब्टेन हम ना व्वेन ह्वैट फास्फोरस इज हिटेड इन ए लो टेम्परेचर बट इन हाई प्रेसर देन कौन हम ना बीटा ब्लैक फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड देखिबा ह्वैट फास्फोरस इज हिटेड सिंपल 473 केल्विन देन हाई प्रेसर देन कौन ऑब्टेन्ड हम ना बीटा ब्लैक फास्फोरस क्लीयर पाने तेनाली कौन थी जोटा कि रेड फास्फोरस को हिट करूल एटी कौन पड़े जोटा कि ह्वैट फास्फोरस को हिट कर देन आर फास्ट पॉइंट कौन अच्छी इट कैन ऑक्सीडाइज इन एयर इट कैन ऑक्सीडाइज इन एयर देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा ना इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंपेरिजन कर पड़ो आराम से मन रही कौन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट एटी आम कौन पड़े इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर देन पढ़ा कौन ना इट इज हाईली स्टेबल इट इज हाईली स्टेबल एमंग ऑल एलोट्रॉप्स एमंग
ऑल आलोट्रॉप्स ड्यू टू ग्राफाइट स्ट्रक्चर ड्यू टू ग्राफाइट लेयर स्ट्रक्चर लेयर स्ट्रक्चर ना कौन कहला ना इट इज हाईली स्टेबल एमंग ऑल आलोट्रॉप आम फास्ट पढ़ी जोड़ा कि व्हाइट फॉस्फोरस कौन कही इट इज लेस स्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव एमंग ऑल आलोट्रॉप्स तेनाली कौन कहला ना इट इज हाईली स्टेबल ये कौन हम तेणु ब्लाक फॉस्फोरस जो बीटा ब्लाक फॉस्फोरसटा एमंग ऑल आलोट्रॉप्स ये कौन हम ना हाईली स्टेबल हम क्लियर ड्यू टू कौन ना ड्यू टू ग्राफाइट लेयर स्ट्रक्चर ग्राफाइट लेयर स्ट्रक्चर माने ये फॉस्फोरसटा लेयर फॉर्मेशन करथिबो फॉस्फोरस फॉस्फोरस जोटे कि लेयर फॉर्मेशन करथिबो लेयर फॉर्मेशन करथिबो लेयर लाइक स्ट्रक्चर जोटा ग्राफाइट लाइक स्ट्रक्चर जोटा कि कार्बन आलोट्रॉप तुम पड़ो ग्राफाइट डायमंड लेयर फॉर्मेशन करथिबो सेइतपई कोन हबो ना हाईली स्टेबल एमंग ऑल आलोट्रॉप्स क्लियर तेना बुझीगला ये थी तुम फॉस्फोरस जोटे कि फॉस्फोरस पड़े आम तीन टा आलोट्रॉप गोटे व्हाइट फॉस्फोरस गोटे ब्लैक फॉस्फोरस गोटे हूँ रेड फॉस्फोरस फास्ट गला व्हाइट फॉस्फोरस देन रेड फॉस्फोरस देन ब्लैक फॉस्फोरस ब्लैक फॉस्फोरस पुणी दुई भाग में गोटे हूँ अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस गोटे हूँ बीटा ब्लैक फॉस्फोरस क्लियर तपटी जहाँ पड़े फास्ट जोटा कि व्हाइट फॉस्फोरस कौन स्ट्रक्चर जोटा कि डिस्ट्रिक्ट टेट्राहेड्रल परीक्षा आसे देन हूँ कौन पढ़े जोटा कि रेड फॉस्फोरस तार कौन ना जोटा कि पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर से कौन हो लेस रिएक्टिव होन थर्ड रे पढ़े जोटा कि ब्लैक फॉस्फोरस फास्ट पढ़े अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस जोटा कि नॉर्मली आम रेड फॉस्फोरस को हिट कले पाँच सेकंड रे पढ़े कौन ना बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बीटा ब्लैक फॉस्फोरस केमी पाइबा ना जब नॉर्मली व्हाइट फॉस्फोरस को आम हिट करवा एटा हाई प्रेशर देन कौन पाइले जोटा कि बीटा ब्लैक फॉस्फोरस देन तार पढ़े कौन ना इट इज हाईली स्टेबल ये आलोट्रॉपटा कौन ना बीटा ब्लैक फॉस्फोरसटा हाईली स्टेबल एमंग ऑल आलोट्रॉपी फॉर ये थिला फॉस्फोरस एंड तार आलोट्रॉपी क्लियर देन आम पढ़वा जोटा कि फॉस्फिन फॉस्फिन गैस पिला माने तो माने जानिथिबो फॉस्फिन गैस ता फॉर्मूला होची PH3 जो तुम्हें जानिथिबो जोटा कि आमर नॉर्मली जो शब जो आम मनीष शरीर जो शब जो पोता जाए जानी ऑलरेडी जो मशाणी जो पोता जाए देखिए बर्षा दिन हेले जोटा कि फास्ट बर्षा जो टच कर कौन हम ना जो आलुओ बाहर तेनालीराम कौन कहते जो भूत आसला कि आकचुअली से भूत नुहे हूँ कौन ना फॉस्फिन गैसटा बाहर जितेबाला जो आम थाय जोड़ा नॉर्मली जो हाड़ फाड़ जोटा कि सहित जो आम व्टर स्पर्शस आसला से कौन हम जो एयर स्पर्शस आसला से हूँ लाइट कलर दबो से जो गैसटा बाहर से कौन कहते फॉस्फिन गैस से गैस आम कौन पढ़वा फॉस्फिन गैस आम कौन पढ़वा प्रिपेरेसन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस फॉस्फिन गैस तार फॉर्मूला है कौन ना PH3 कौन पढ़वा ना प्रिपेरेसन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस क्लियर फास्ट आम कौन पढ़वा प्रिपेरेसन देख प्रिपेरेसन दुटा मेथड अच्छी गोटे मेथड वन अच्छी एंड सेकंड अच्छी मेथड टू मेथड वन आम कौन पढ़वा मेथड वन प्रिपेरेसन कौन अच्छी ना व्वेन जोटा कि आम कौन प्रिपेरेसन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस व्वेन व्हाइट फॉस्फोरस इज ट्रीटेड विथ क्या सहित ट्रीटेड कर व्हाइट फॉस्फोरस इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर फास्ट मेथड वन प्रिपेरेसन टाइम पढ़वा व्वेन व्हाइट फॉस्फोरस इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर देन कौन प्रोडक्शन हम फॉस्फिन गैस एंड सोडियम हाइपोक्लोराइट देख कौन प्रोडक्शन हम मेथड वन फॉस्फिन गैस प्रोडक्शन हम क्या नहीं प्रोडक्शन करवा कौन ना ना सोडियम हाइड्रोक्साइड नवा वाटर नवा एंड कौन ना ना व्हाइट फॉस्फोरस क्लियर देख मुझे प्रिपेरेसन टा P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3
वाटर आम कौन पाइले जोटा कि फॉस्फीन गैस एंड पाइले थ्री एन एच टू पी ओ टू क्लीयर तेणु कौन प्रडक्शन है आमर ना फॉस्फीन गैस क्लीयर पे फास्ट कौन है ना मेथड आनले व्वेन ह्वैट फस्फरस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड का सहित तो ना वाटर प्रेजेन्स देन कौन बाहर ना फस्फिन गैस बाहर क्लीयर पे मेथड वन प्रिपेरेसन कहला जोटा कि फस्फिन गैस प्रिपेरेसन व्वेन ह्वैट फस्फरस इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर देन कौन बाहर फस्फिन गैस प्रड्यूस हम क्लीयर देन आम पढ़ा मेथड टू मेथड टू रे कौन पढ़ा देख सिंपल जो मेथड टूटा पढ़ा ये भेरी मच इम्पोर्टाट कारण यही मेथड आम कौन बाहर करवा ना प्योर फस्फिन के आम को प्रडक्शन कर देख मेथड टू कौन कहला ना व्वेन फस्फरस एसीड जोटा कि एच थ्री पी ओ थ्री व्वेन फस्फरस एसीड इज सिंपली हिटेड देन कौन बाहर ना प्योर फस्फिन गैस कैन बी ऑब्टेन्ड बुझेला पे कौन कहला फास्ट स्टेप ना व्वेन फस्फरस एसीड एच थ्री पी ओ थ्री सिंपली हिटेड देन कौन बाहर फस्फोरिक एसीड एंड प्योर फस्फिन गैस इज ऑब्टेन्ड देख एच थ्री पी ओ थ्री फस्फरस एसीड यदि सिंपल आम हिट करवा देन कौन बाहर फस्फोरिक एसीड एच थ्री पी ओ फोर प्लस पी एच थ्री कि फस्फिन गैस प्रोडक्शन हला ये आम कौन बाहर करिया ना प्योर फस्फिन प्योर फस्फिन गैस कैन बी ऑब्टेन्ड क्लीयर पे बुझेला कि नहीं फास्ट कौन कला मेथड टू रे ना व्वेन फस्फरस एसीड एच थ्री पी ओ थ्री इज सिंपली हिटेड देन कौन हम ना फस्फोरिक एसीड प्रड्यूस हम एंड कौन हम ना प्योर फस्फिन प्रडक्शन हम क्लीयर पे बुझीगला देन आम जावा जोटा कि प्रिपेरेसन सरला मुझरेडी कही प्रिपेरेसन पड़े कौन पढ़ा जोटा कि प्रपर्टिज पढ़ा प्रपर्टिज पी दु प्रकार प्रपर्टिज आस गोटे केमिकल प्रपर्टिज गोटे फिजिकाल प्रपर्टिज फास्ट आम कौन पढ़ा फास्ट आम पढ़ा फिजिकाल प्रपर्टिज देख फिजिकल प्रॉपर्टी फास्ट आम कौन पढ़ा ये हूँ कौन ना कलरलेस दिस इज ए कलरलेस गैस विथ रोटेन फिश स्मेल कौन लिखिली ना कलरलेस गैस विथ रोटेन फिश स्मेल कौन कहला ना इट इज ए कलरलेस गैस विथ रोटेन फिश स्मेल ये तो हूँ कलरलेस गैस रोटेन फिश स्मेल कौन जोटा कि मछ मार्केट तुम जाइए कि आईसा आईसा गंध हो दिस इज ए रोटेन फिश स्मेल जोटा कि आईसा गंध भाया से भाया बासना जोटा कि पंजेंट जोटा कि गोटे जोटा कि कौन कह जोटा कि नाक फोड़ा जोटा कि पचड़िया गंध जोटा कह रोटेन फिश स्मेल दिस इज ए कौन ना कलरलेस गैस विथ रोटेन फिश स्मेल क्लीयर सेकेंड पढ़ा इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर ये हूँ कौन हम ना वाटर रे स्लाइटली सॉल्युबल कहीं सॉल्युबल हम ना इट्स वीक हाइड्रोजन बॉन्ड मुझ फास्ट पढ़े जोटा कि एन एच थ्री होता कौन जोटा कि स्ट्रंगली बंडेड होता कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन भितर स्ट्रंगली बंडेड होता कहीं जेहेतु नाइट्रोजन हूँ हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बट एटी कौन हम जो हाइड्रोजन बंडिंगटा हम क्या सहित फस्फोरस सहित हम दिस इज ए विक हाइड्रोजन बॉन्ड दिस व्हाय दिस इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर क्लीयर पे ये कौन ना फिजिकल प्रॉपर्टीज आम पढ़ले फास्ट कौन ना कलरलेस गैस विथ रोटेन फिश स्मेल सेकंड पढ़ले कौन ना इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर
क्लीयर देन आम पढ़ा कौन रहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज यार मन रख जो प्रिपेरेसन तुम आसे शॉर्ट मार्क शॉर्ट क्वेश्चन आसे जोटा कि शॉर्ट नोट आसे जोटा कि तीन मार्क राइट डाउन द प्रिपेरेसन ऑफ PH3 जोटा कि आम जो कौन कहली जोटा कि फॉस्फिन गैस प्रिपेरेसन कौन परीक्षार बहुत टाइम पढ़े जोटा कि प्रिपेरेसन क्लीयर देन पढ़ा कौन केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टी रे फास्ट पढ़वा ऑक्सीडेशन कौन पढ़वा ना ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन कौन मन रखिए PH3 गैसटा का सहित रिएक्शन कर ऑक्सीडेशन मैंने कौन आम नॉर्मली जानते एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तेणु PH3 गैसटा का सहित रिएक्शन कर ऑक्सीजन सहित रिएक्शन कर व्हेन PH3 इज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन कौन प्रोडक्शन हम ना फॉस्फोरस पेंटोक्साइड P2O5 प्लस वाटर 2 फॉस्फोरस पेंटोक्साइड जोड़ा कि प्रस्तुत हम कौन ना PH3 गैसटा जो ऑक्सीजन प्रेजेन्स रिएक्शन कर कौन हम ना फॉस्फोरस पेंटोक्साइड दबो एंड वाटर दबो क्लीयर ना ये फास्ट कौन कही ऑक्सीडेशन मैंने फॉस्फिन गैसटा का सहित ऑक्सीडेशन हम फॉस्फोरस गैसटा ऑक्सीजन आड हम O2 मान जोटा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैंने मुझे फास्ट रू कही ऑक्सीडेशन मैंने कौन ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तेणु कौन बाहर ना फॉस्फोरस पेंटोक्साइड फॉस्फोरस पेंटोक्साइड अगेन ये फॉस्फोरस पेंटोक्साइड जितेबाला रिएक्शन कर कौन दबो ना H3PO3 से तुम रासायनिक परीक्षार तेनाली मन रखी थोड़ा जितेबाला फॉस्फिन गैसटा अगेन का सहित रिएक्शन फॉस्फिन गैसटा का सहित रिएक्शन कर ऑक्सीजन सहित बर्न कर सिंपल बर्न बर्न तुम कहीपर सिंपल जो बर्न हम कौन दबो ना फॉस्फोरस पेंटोक्साइड P2O5 क्लीयर फास्ट थी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मैंने कौन ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आउ थे कौन ऑक्सीडेशन है कौन ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन व्हेन फॉस्फिन गैस इज रिएक्ट्स विथ बर्न्स विथ ऑक्सीजन जेने कौन बाहर फॉस्फोरस पेंटोक्साइड क्लीयर देन सेकंड आम पढ़वा रिएक्शन विथ क्लोरीन सेकंड रे कौन पढ़वा रिएक्शन विथ क्लोरीन देख जेतेबेले फॉस्फिन गैसटा क्लोरीन सहित रिएक्शन कर कौन दब ना फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड PCl5 क्लीयर पे बुझीपड़ आम फास्ट कौन पड़े ऑक्सीडेशन मान एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फॉस्फिनटा जेतेबेले ऑक्सीजन सहित रिएक्शन गला कौन देला ना फॉस्फोरस पेंटोक्साइड P2O5 सेकंड टाइम पढ़वा रिएक्शन विथ क्लोरीन जेतेबेले से क्लोरीन सहित रिएक्शन कर कौन प्रोड्यूस कर ना फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड PCl5 देख फॉस्फिन गैस रिएक्ट्स विथ क्लोरीन देन कौन प्रोडक्शन हम PCl5 प्लस HCl कौन प्रोडक्शन हम PCl5 प्लस HCl 3HCl तुम कहीपर जुड़े 8 देख बालांस थी 4टा तीनटा ठीक अच्छे देख फॉस्फिन गैसटा जितेबाला रिएक्शन कर सहित क्लोरीन सहित रिएक्शन कर कौन दबो ना फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड फॉस्फोरस कौन दबो ना फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड क्लियर देन जीवा नेक्स्ट रिएक्शन को रिएक्शन विथ HBr एंड HI हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड देखो
जितेबाला रिएक्शन कर फसफिन गैसटा एच बी आर सहित एंड एच आई सहित कौन प्रड्यूस कर ना फसफोनियम ब्रोमाइड एंड फसफोनियम आयोडाइड कौन प्रड्यूस कर जापाइल जितेबाला रिएक्शन विथ एच बी आर एंड एच आई जितेबाला फसफिन गैसटा रिएक्शन कर एच बी आर एंड एच आई सहित करेस्पंडिंग कौन दब ना फसफोनियम ब्रोमाइड एंड फसफोनियम आयोडाइड देख तार इक्वेशन व्वेन फसफिन गैस इज रिएक्ट विथ एच बी आर कौन प्रडक्शन हम ना पी एच फोर प्लस बी आर माइनस देन सेकेंड रे अगेन पी एच थ्री रिएक्शन कर सहित ना एच आई सहित कौन प्रडक्शन कला ना पी एच फोर प्लस प्लस आई माइनस एटा को आम कहीपर फसफोनियम ब्रोमाइड एटा को आम कहीपर फसफोनियम आयोडाइड क्लीयर पाने करेस्पंडिंग कौन दब एच पी आर सहित फसफोनियम ब्रोमाइड एंड एच आई सहित कौन दब फसफोनियम आयोडाइड क्लीयर देन आम जोटा कि लास्ट केमिकल प्रपर्टी तरह पढ़ा रिड्यूसींग प्रपर्टीज इट इज इंपोर्टाट रिड्यूसींग प्रपर्टी भेरी मच इंपोर्टाट अक्सीडेसन पढ़ी देन अगेन पढ़ा रिडक्शन लाइक रिड्यूसींग प्रॉपर्टी क्लियर पे रिड्यूसींग प्रॉपर्टी आम कौन पढ़ा ना इट आक्ट एज ए रिड्यूसींग एजेंट जमी अक्सीडेसन पढ़ते एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सेमती ये कौन पढ़ा ना रिड्यूसींग प्रॉपर्टी यार फसफिन गैस कौन अच्छी ना रिड्यूसींग प्रॉपर्टी अच्छी केमी अच्छी ना ये सिंगल कंपाउंड रू ये कौन कर ना सिंगल मेटल को ये बाहर करदेव जोटा कि कंपाउंड रू तार मेटल फॉर्म को ये प्योर मेटल फॉर्म को बाहर करदेव तेनाली से आक्ट एज ए रिड्यूसींग एजेंट बा रिड्यूसींग प्रॉपर्टी भाव में कौन काम करे जोटा कि फसफिन गैस क्लीयर देख फास्ट कौन कह गोटे एक्जाम्पल नौ व्वेन AgNO3 जोटा कि सिल्वर नाइट्रेट इज ट्रीटेड विथ फसफिन गैस जितने AgNO3 टा फसफिन गैस सहित ट्रीटेड कर जन कौन कर ना सिल्वर फसफाइड ए जि थ्री पी प्लस कौन प्रड्यूस कर एच एन ओ थ्री क्लीयर पाने फास्ट स्टेप कौन दे AgNO3 टा गोटे एक्जाम्पल नहीं सिल्वर नाइट्रेट आम सिल्वर नाइट्रेट रू कौन बाहर करा ना प्योर सिल्वर में परिणत करदेव तेणु दिस आक्ट एज ए रिड्यूसींग प्रपर्टी दो AgNO3 आने सिल्वर नाइट्रेट प्लस फसफिन गैस मिशे कौन दला ना सिल्वर फसफाइड मन रखित कौन ना सिल्वर फसफाइड प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 प्रोडक्शन देला अगेन सिल्वर फसफाइड रिएक्शन कर AgNO3 प्लस कौन प्रोडक्शन हम ना प्योर फॉर्म भाई कह आम सिक्स ए जि प्लस थ्री HNO3 प्लस थ्री वाटर क्लीयर पाने बुझीपाल जी अगेन आम AgNO3 टा का सहित मिसवा सिल्वर फसफाइड सहित जो प्रडक्ट बाहर था फास्ट स्टेप AG3 प्री सहित मिसवा देन किसी वाटर प्रेजेन्स कौन बाहर ना प्योर AG फॉर्म आला तेणु कौन थी आमर AgNO3 थिला सिल्वर नाइट्रेट थिला तेणु कौ फॉर्म पाइले प्योर एजी बा प्योर सिल्वर मेटल आम पाइले तेणु दिस आक्ट एज ए रिड्यूसींग एजेंट क्लीयर तेणु ये रिड्यूसींग प्रपर्टी भेरी मच इंपोर्टाट मन रख तुम केमिकल प्रपर्टीज ये तुम अच्छी जोटा कि फास्ट आम कौन पढ़े ऑक्सीडेशन देन पढ़े रिएक्शन विथ क्लोरीन देन पढ़े रिएक्शन विथ जोटा कि एच बी आर एंड एच आई देन पढ़े रिएक्शन विथ जोटा कि रिड्यूसींग प्रपर्टी इट आक्ट एज ए रिड्यूसींग एजेंट जोटा कि मेटालिक फर्म जोटा कि कंपाउंड फर्म कौन परिणत कर ना प्योर मेटाल फर्म प्योर सिल्वर जो आम एक्जाम्पल लेकिन AgNO3 कौन बाहर कला ना प्योर एजी बाहर कला दिस आक्ट एज ए रिड्यूसींग एजेंट ये आक्ट मध्य रिड्यूसींग प्रपर्टी आम देखे ये थी तुम केमिकल प्रपर्टीज देन पढ़ा स्ट्रक्चर फसफिन स्ट्रक्चर बहुत सहज अच्छी स्ट्रक्चर आम पढ़ा नॉर्मली देखो फसफिन
PH3 पीरो काटिबा 1S2 2S2 2P6 3S2 3P3 ग्राउंड सेट काटिले दुटा इलेक्ट्रोन रहिला पटे हाइड्रोजन तीन टा लगे हाइड्रोजन 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 कौन हम हाइब्रिडेशन एसपी थ्री हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर कौन हम देखा फॉस्फोरस इनटा हाइड्रोजन लगे हैविंग लोन पेयर तेना स्ट्रक्चर टा कौन हम ना पिरामिडल स्ट्रक्चर सेम एज एनएच थ्री स्ट्रक्चर क्लीयर तेणु फसफरस रहा कि फसफिन गैस आम पढ़ले फसफिन गैस मन रख गोटे लन पेयर अच्छी तीन टा बंड पेयर अच्छी तार जो फर्मेसन कर पिरामिडल स्ट्रक्चर हैविंग एसपी थ्री हाइब्रिडेशन एस भाग नौ पी तीन टा भाग नौ हैविंग एसपी थ्री हाइब्रिडेशन क्लीयर देन पढ़ आम कौन ना यूजेस यूजेस ऑफ कौन पढ़िया ना प्रिपरेशन गला प्रॉपर्टीज गला स्ट्रक्चर गला देन पढ़िया कौन ना यूजेस यूजेस ऑफ फॉस्फिन गैस क्लियर तेनाली फास्ट आम पढ़िया यूजेस रे इन द डिटेक्शन ऑफ कि एनमी पोजिशन इन नाभाल वारफेयर डिटेक्शन ऑफ एनमी पोजिशन इन नाभाल वारफेयर ना कौ थे यूज करा जाए ना डिटेक्शन ऑफ एनमी पोजिशन इन नाभाल वारफेयर जो नाभाल वारफेयर मैंने बुझीपड़ जोटा कि आम जलरे जलजाजे जो आम युद्ध करुँच डिटेक्शन ऑफ एनमी पोजिशन तो कौ पटू एनमी आसुँच तार पोजिशन मापापी आम कौन कर जहाज में फॉस्फिन गैस यूज कराए फॉस्फिन गैस यूज फल आम कौन जापर ना डिटेक्शन ऑफ एनमी पोजिशन बा सिग्नलिंग इन द सी डाइवर तक आम कहीपर सिग्नलिंग द सी डाइवर जो मैंने सी ड्राइवर जोटा कि आम समुद्र जोड़ा कि ड्राइवर आम यूज करोटा कि जहाज हो डा हो जो थे यूज कर सिग्नाल दब ये फॉस्फिन गैस यूजेस कले कौन हम ना सिग्नाल दब पर ये कौन प्रेजेंट अच्छा लोक अच्छा कि ये दीप अच्छे ये जनसंख्या अच्छी जोटा कि मुझे कहली फास्ट जोटा कि डिटेक्शन ऑफ एनमी पोजिशन क्लीयर ये तुम फॉस्फिन गैस कौन प्रिपेरेसन प्रॉपर्टी एंड यूजेस क्लीयर आम फास्ट पढ़ले ए क्लास लेक्चर फाइव रे कौन पढ़ले ना फॉस्फोरस पढ़ले फॉस्फोरस आलेटर पढ़ले देन पढ़ले कौन ना फॉस्फिन गैस प्रिपेरेशन पढ़ले दुईटा प्रिपेरेशन अच्छी देन पढ़ले कौन जोटा कि प्रॉपर्टीज पढ़ले तार फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी केमिकल प्रॉपर्टी अच्छी एंड देन पढ़ले कौन ना यूजेस यूजेस कौन पढ़ले डिटेक्शन ऑफ एनमी पोजिशन इन नाभाल वारफेयर जो आम जलजाज जो युद्ध हुए तार जानापी एनमी पोजिशन एनमी कौ पटू आस तक आम कौन कह डिटेक्शन ऑफ एनमी पोजिशन कौन यूज करवा कि फॉस्फिन गैस यूज करवा देन कह सिग्नलिंग इन द सी ड्राइवर जो सी ड्राइवर मैंने सिग्नाल पायापी कौपटे जाइब रास्ता कौपटे देखा से जानापी सिग्नाल जानापी आम कौन यूज कराए ना फॉस्फिन गैस यूज कराए देन पढ़ले आम कौन स्ट्रक्चर पढ़ले स्ट्रक्चर तार कौन ना पिरामिडल स्ट्रक्चर हैविंग एसपी थ्री हाइब्रिडेशन जोटा कि गोटे गोटे लोन पेयर अच्छी तीन टा बॉन्ड पेयर अच्छे सेम एज एनएच थ्री गैस अमोनिया गैस क्लियर मुझे आशा करुच्ची भल भाव बुझीपार थैंक यू।